हेलो स्टूडेंट न्यूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की रेटनी शुरू करते हैं उससे पहले आज थोड़ा सा बकबक करना है क्योंकि कल संडे है और संडे टाइम पास सीरीज दो हफ्ते बाद हमारा जो आने वाला है और कल का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो जरूर से कल का वीडियो देखना और उस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ताकि वो वीडियो ब्रांड तक जो वो पहुंच जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो जरूर से कल का वीडियो मिस मत करना। आज बहुत ही गर्मा गर्म टेक्नू से हमेशा की तरह तड़के के साथ में ज्यादा मस्ती करते हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर पसंद आती है तो, और आज की जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं, उससे पहले फटाफट से यहाँ पे बात करते हैं डील्स की। मंडे, थर्सडे, सैटरडे, ये तीन दिन हमारा डील्स का होता है। तो सबसे पहले जो डील आ रही है वो यहाँ पे 2000 रुपए के अंदर आपको दो पंखे मिल रहे। जी हाँ, जो ऊपर सीलिंग पे लगता है ना, फुक 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 घूमता है, पंखे जो भी बोलो, 2000 रुपए में दो मिल रहा है तो बहुत अच्छी डील है। उसके बाद 5 बॉक्सर्स मिल रहे, बॉक्सर्स वो बॉक्सर नहीं जो चड्डा पहनते ना, वो बॉक्सर मिल रहे सिर्फ 369 रुपीज के अंदर। शाओमी के ईयरफोन्स मिल रहे 600 रुपए का, तो आपको 350 से 400 रुपए के आसपास मिल जाएगी। अगर कूपन कोड लगाते हैं तो 350 रुपए आपको मिल जाएगा। और पुमा के सॉक्स से 15 पैक आपको सिर्फ 440 रुपए में मिलता है। सारे डील्स की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, पसंद आया तो वहां से जाके परचेस कर लीजिए। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पे OnePlus से। OnePlus का जो 6T है, हम सभी लोगों को यहां पे एकदम से मतलब रट गया हमारे दिमाग के अंदर कि ये वाला फोन जो वो 30 अक्टूबर को जो वो लॉन्च होने वाला है। लेकिन अभी होने वाला है नहीं बल्कि होने वाला था, क्योंकि लॉन्च डेट यहां पे चेंज हो चुकी है और एक दिन पहले यहां पे जो वो हो गई है। जी हां, 29 अक्टूबर को आपको OnePlus का 6T देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में भी और इंडिया में भी आपको उसी टाइम पे जो वो लॉन्च हो जाएगा। रीजन यहां पे OnePlus ने डेट को चेंज इसलिए किया है क्योंकि 30 अक्टूबर को आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क के अंदर एप्पल का इवेंट होने वाला था, उसके साथ में क्लैश ना हो इसलिए OnePlus ने अपनी डेट को चेंज करके एक दिन पहले कर दिया है। और एप्पल का कौन सा इवेंट था, देयर इज मोर सदमा इन द मेकिंग, मैंने आपको कल बताया था, मोर थिंग कुछ और नया लेके आ रहे उस हिसाब से। तो देखते हैं यहां पे OnePlus 6T एक दिन बाद आने वाला था, तो एक दिन पहले आ जाएगा तो क्या तीर मार लेगा। जब भी आएगा इसके बारे में आपको उस दिन ही बता देंगे। तो गूगल की तरफ से यहां पे एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि गूगल को यहां पे यूरोपियन कमीशन द्वारा यूरोप के अंदर $5.1 बिलियन का जो वो फाइन लग चुका है, क्योंकि यहां पे गूगल जो वो OEMs को फोर्स करता था अपने गूगल की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने के लिए। और यहां पे गूगल ने वैसे इस पे अपील तो किया था, लेकिन अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो ये जो फाइन लगा ये लागू रहेगा और उसके तहत यहां पे गूगल अपने एंड्रॉइड OS को जो वो चार्ज करेगा। जी हां, मतलब अभी तो एंड्रॉइड OS वैसे तो ओपन सोर्स से फ्री था, लेकिन अभी यहां पे जो भी कंपनीज होगी उनको एंड्रॉइड OS गूगल जो वो चार्ज करेगा पर एंड्रॉइड OS $40 मारेगा, मतलब 2800 रुपए। तो मतलब अगर फोन आपको एंड्रॉइड के साथ में मिलता है तो गूगल अगर कंपनी को चार्ज करेगा OS के लिए तो आपको भी ऑब्वियसली प्राइस तो ज्यादा ही देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी वो वसूल आपसे ही करेगी। तो यहां पे February 1, 2019 से यूरोप के अंदर यहां पे जो लागू हो जाएगा, जो भी फोन उसके बाद एंड्रॉइड OS के साथ में आएंगे तो गूगल वहां पे $40 उसके OS के लिए चार्ज करेगा। अभी आप सोच रहे हैं यार एंड्रॉइड OS तो फ्री था, ओपन सोर्स है, वैसे तो वो फ्री ही था लेकिन गूगल जो चार्ज करता था यूजुअली वो उसकी सर्विसेज के लिए करता था, जो एप्लीकेशंस आते थे क्रोम प्ले स्टोर वगैरह के लिए, उसके लिए तो वैसे कंपनी को चार्ज करता ही था। लेकिन अभी OS भी अगर महंगा कर देगा, प्राइस मार देगा तो कंपनीज को ऑब्वियसली फोन पड़ेगा, तो वो तो उसका चार्ज पैसा हमें से ही लेगी, तो हमारे भी शायद से प्राइस फोन की बढ़ जाएगी। अभी ये यूरोप में है, इंडिया में भी आएगा हमें नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो गूगल का एंड्रॉइड अभी फ्री नहीं होगा और आने वाले समय में इसके लिए भी पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो यहां पे Huawei की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और Huawei ने यहां पे बोल दिया कि इंडिया के अंदर यहां पे वो फैक्ट्रीज को जो वो डाल देगा और इंडिया में ही अब से वो आने वाले समय के अंदर अपने मिड रेंज और प्रीमियम कैटेगरी के स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर करेगा। वैसे कोई नई बात नहीं है, Xiaomi, Vivo और Oppo भी इंडिया में फोन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो लोग सिर्फ मिड रेंज स्मार्टफोन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और Samsung एक ऐसी कंपनी जो फ्लैगशिप फोन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर भी कर रही है, लेकिन Huawei बोल रहा है कि हम मिड रेंज और प्रीमियम कैटेगरी के दोनों फोन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। साथ में उन्होंने एक और बड़ा स्टेटमेंट यह दे दिया है कि आने वाले समय के अंदर इंडिया में बता रहे कि वो 2021 तक का इंडिया में लीडिंग ब्रांड वाली कंपनी जो वो बन जाएगी, मतलब सबसे लीड करेगा Huawei इंडिया के अंदर 2021 तक का। ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और एक बात बता दूं, कोई सरप्राइज की बात नहीं, Huawei वैसे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर कंपनी है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। देखते हैं Huawei इंडिया में क्या खास करता है, ये तो हमें जब फैक्ट्रीज आएगी उसके बाद ही जो वो पता चलेगा। तो अभी चाइना की तरफ से खबर आ रही है और मैं आपसे क्या बताऊं यार, चाइना मतलब कमाल करता है। और अभी यहां पे बताया जा रहा है कि चाइना यहां पे आर्टिफिशियल मून बनाने की जो वो तैयारी कर रहा है, जो चांद आप देखते हैं रियलिटी में, अब उसका एक आर्टिफिशियल मून जो वो चाइना जो वो बना रहा है, जिसके द्वारा वो अपनी सिटी को यहां पे यानी कि कंट्री को अलग अलग जगहों पे जो वो रोशनी देगा। जी हां, अभी यहां पे वैसे तो सालों से इसकी जो वो टेस्टिंग चल ही रही थी, लेकिन अभी यहां पे इस पे काम चल रहा है
और 2020 तक ये बनके तैयार भी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पे यूजुअली अगर रात में हमें लाइट चाहिए होती है स्ट्रीट्स के अंदर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, एनर्जी भी कंज्यूम होती है। अब इसको बचाने के लिए यहाँ पे चाइना स्पेस के मतलब आसमान के अंदर यहाँ पे एक ऐसा सैटेलाइट जो वो बनाएगा जो मून के शेप का होगा, जो आर्टिफिशियल मून आप उसको बोल सकते हैं, वो इल्यूमिनेट होगा और 10 से 80 किलोमीटर के डायमीटर तक का यहाँ पे जो वो सिटी में जो वो उस जगहों पे जो वो रोशनी जो वो दे सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है और एक फ्रेंच आर्टिस्ट है उससे उनको यहाँ पे जो वो आइडिया मिला था। अब अगर ऐसा वाकई में होता है तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी कि चाइना आर्टिफिशियल मून बना रहा है और अपनी जगहों पे जो वो रोशनी दे रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे चाइना कितना सक्सेसफुल होता है, क्या खास होता है, 2020 की बातें तभी आपको बता देंगे। तो मैं शाओमी की तरफ से खबर रही हूँ, शाओमी का जो मी मिक्स 3 है ना, यहाँ पे इसकी लाइव पिक्चर भी लीक हुई है, टीजर भी आया है, सब कुछ आया है, लेकिन जो भी आपको दिखा है वो सामने की साइड से जो वो दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे शाओमी का जो मी मिक्स है इसके कुछ बैक साइड की पिक्चर जो वो लीक हुए लाइव पिक्चर आए हैं और आप देखेंगे दो फोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और दोनों के अंदर यहाँ पे आप लोगों को काफी सारी चीजें अभी जो वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको बैक एकदम ग्लास और ग्लॉसी में जो वो देखने को मिल रहा है, दूसरी बात आपको बैक थोड़ा सा कर्व्ड भी जो वो देखने को मिलेगा। नीचे देखेंगे टाइप सी पोर्ट दिख रहा है, स्पीकर आउटपुट है, लेकिन 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिल रहा है। वैसे तो उसमें होगा नहीं, शायद से ऊपर हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन इसमें शायद से तो लग रहा है कि होगा नहीं। तीसरी बात आप देखेंगे यहाँ पे पीछे ऊपर की तरफ देखेंगे तो वर्टिकल डुअल कैमरा दिख रहा है, बीच में फ्लैश दिख रही है, लेकिन यहाँ पे बीच में देखेंगे तो आपको अभी फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिखाई दे रहा है अगर गौर से देखेंगे तो। मतलब आपको जो मी मिक्स 3 आएगा इसमें शायद से अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा। हो सकता है ये मी मिक्स 3 का लाइटर वर्जन हो, क्या पता इसमें आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और जो हाइयर होगा उसमें आपको अंडर डिस्प्ले मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पे जो सामने आ चुकी है, बैक साइड भी बस लॉन्च होना बाकी है 25 अक्टूबर को, जब भी आएगा इसके बारे में आपको जरूर से बता देंगे। गूगल की तरफ से खबर आ रही है और गूगल का जो पिक्सल 3 और पिक्सल 3 XL यहाँ पे जब ये फोन लॉन्च हुए थे तो वैसे तो एक्सपेंसिव थे ही और हमेशा की तरह हर साल पिक्सल के डिवाइसेस में जो इश्यू आते थे वो पिक्सल 3 और पिक्सल 3 XL में भी जो वो आ चुके हैं। जी हाँ, हमें ऐसा लगता है कि फोन जो वो बहुत प्रीमियम होते हैं, काफी खर्चा करते हैं कंपनीज लॉन्च करती है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एप्पल के जब आईफोन्स में आते हैं तो गूगल के तो फोन्स में आएगी ही आएगी। अब बताया जा रहा है कि गूगल के जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं पिक्सल 3 और 3 XL के अंदर तो आवाज में इतना मजा नहीं आ रहा है। जी हाँ, वो बेस जो वो लैग कर रहा है जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, उसका जो साउंड आता है ना वो इतना मजा नहीं आता है, ये कंप्लेंट्स यहाँ पे सामने आएगी। इतना ही नहीं बल्कि उसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है ना, वो एक ईयरपीस के अंदर और नीचे नॉर्मल स्पीकर है, तो नीचे वाले स्पीकर से ज्यादा आवाज आती है लेकिन ऊपर वाले स्पीकर से इतनी ज्यादा आवाज नहीं आती है, तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, इस वजह से भी इश्यू यहाँ पे हो रहा है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, तो गूगल के पिक्सल के जो लेटेस्ट डिवाइसेस आते हैं उसके अंदर हो रहा है। अब देखते हैं कितना जल्दी इसको सॉल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये तो आगे ही देख लेते हैं। व्हाट्सएप की तरफ से खबर आ रही है, व्हाट्सएप यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राजील के अंदर यहाँ पे बहुत सारे यानी कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पे जो वो ब्लॉक्ड कर दिया है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे वहां पे अभी इलेक्शन का जो वो टाइम चल रहा है और लोग व्हाट्सएप के ऊपर काफी काफी चीजें जो वो शेयर करते हैं, मतलब इसमें हेट भी होता है जिसके द्वारा कम्युनल राइट्स भी होता है, इस चीज को कर्ब करने के लिए व्हाट्सएप ने यहाँ पे वहां पे जो वो अकाउंट ब्लॉक करना जो वो शुरू कर दिया है। वैसे काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि व्हाट्सएप में एंड टू एंड एनक्रिप्शन मिलता है, उसके बावजूद भी व्हाट्सएप ने ऐसा काम कर दिया है। यहां तक कि उसमें ब्राजील का फॉर्मर प्रेसिडेंट भी था, उसको भी यहाँ पे उसके अकाउंट को भी जो वो व्हाट्सएप ने वहां पे ब्लॉक कर दिया है। मैं खुश हूं, अब देखते हैं 2019 के अंदर इंडिया में जो इलेक्शन होने वाला है ना, अगर वैसे ही व्हाट्सएप कर लेता इंडिया में भी तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि इलेक्शन में आने से पहले ही हम सभी लोगों को पता है कि बहुत हेट जो वो फैलता है व्हाट्सएप के ऊपर यहां से वहां और लोगों के दिमाग में गलतफहमी पैदा होती है। अगर इंडिया में अगर ऐसा करता है व्हाट्सएप तो हम अप्रिशिएट करते हैं और देखते हैं कि इंडिया में व्हाट्सएप क्या करता है। तो यहां पे एयरटेल की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और एयरटेल के अगर आप सिम कार्ड्स यूज करते हैं, एयरटेल की सर्विसेज यूज करते हैं, तो एयरटेल ने यहां पे एयरटेल टीवी प्रीमियम करके एक नए फीचर को जो वो लेके आ चुका है। एयरटेल टीवी एप्लीकेशन को अगर आप अपडेट करते हैं तो वहां पे आप लोग एक नया टैब मिलेगा एयरटेल टीवी प्रीमियम, जिसमें अभी आप प्रीमियम कंटेंट्स जो फ्री में देख सकते हैं, Z5 ओरिजिनल्स, NDTV हॉप, 300 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल से और 10,000 से ज्यादा मूवी से, जिसमें इरोस नाउ, हॉटस्टार, हुक, ऑल्ट बजाज वगैरह जो इंक्लूडेड है। यहां पे एयरटेल उन्हीं लोगों को फ्री दे रहा है जो एयरटेल के #AirtelThanks कस्टमर्स के अंदर आते हैं, मतलब जैसे कि आपने महीने के 100 रुपए से ज्यादा जो वो खर्चा कर रहे हैं अपने फोन के अंदर रिचार्जेस के अंदर, तो आप लोग को ये एलिजिबल हो जाएगा। तो आप जाइए एयरटेल टीवी को अपडेट कर लीजिए और प्रीमियम सेक्शन में जाइए चेकआउट कर लीजिए, अगर आपको फ्री में मिलता है तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। नोकिया की तरफ से खबर आ रही है, नोकिया का जो 7.1 और 7.1 प्लस अभी रिसेंटली यहां पे जो वो लॉन्च हुए थे, तो नोकिया का यहां पे अभी 8.1 प्लस ये जो वो लिस्ट होके आ चुका है बेंचमार्किंग साइट पे। जी हां, गीकबेंच पे यहां पे ये लिस्ट हुआ है जहां पे स्नैपड्रैगन का 710 और एंड्रॉइड 9 पाई इसके अंदर जो वो दिखाई दे रहा है। मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि एक जमाना था हमें स्नैपड्रैगन 636 20,000 के नीचे मिलता था, अभी जमाना आ गया स्नैपड्रैगन 660 का 20,000 के नीचे और अभी आपको यहां पे स्नैपड्रैगन 710 वाले प्रोसेसर वाले फोन्स मिलेंगे 20,000 के नीचे। तो देखते हैं यहां पे कितना जल्दी ये फोन लॉन्च होता है और 7.1 प्लस इंडिया में कितना जल्दी आता है 710 के साथ में, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। क्या आपको यहां पे पता है कि
गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जी हाँ ये सारी चीजें यहाँ पे चाइना के अंदर जो वो बैंड है। जी हाँ ये सारी चीजें चाइना में जो वो बैंड है। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।